भाजपा सरकार में अच्छा चेहरा आना ही मुश्किल। अच्छा भाजपा सरकार में कोई अच्छा चेहरा है ही नहीं ना। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर दिल्ली तक, अच्छा कोई आदमी ऐसा नहीं सिवाय पूंजीपतियों को बना रही है भाजपा सरकार, और किसी की नहीं। पूंजीपतियों बना रही है बिल्कुल, किसानों के लिए या गरीबों के लिए नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। 2022 में आप उन्हें दोबारा बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे? हम तो कभी नहीं बनाएंगे, कभी जीवन हम भगा देंगे यहाँ से, कहें फूट लो जल्दी जस, हम भगा देने वाले आदमी। दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं होगी? मुख्यमंत्री तो बनाएंगे, कैंडिडेट नहीं बढ़िया है। कैंडिडेट मतलब विधायक नहीं बढ़िया? विधायक नहीं बढ़िया क्यों? विधायक ने क्या अच्छा काम किया? नहीं आया 5 साल में, एक बार 5 साल में नहीं आया। अगर इन्हीं को दोबारा टिकट मिला फिर आप क्या करेंगे? तो सोचना पड़ेगा क्या करेंगे, क्या करें? तो बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। अगर दोबारा इन्हें टिकट मिल गया तो बीजेपी छोड़नी पड़ेगी? पूरी है। किसको आप फिर वोट देंगे? फिर कोई अच्छा किसको चुनना चाहेंगे? जैसे पहले सपा बसपा जो, मतलब अगर इन्हें दोबारा टिकट मिल गया तो फिर सपा या बसपा किसी को? पार्टी को चाहिए कैंडिडेट बढ़िया लाए। पार्टी कैंडिडेट अच्छा नहीं ला रही है? नहीं ला रही। किसको लाना चाहिए? अब ये तो हम नहीं जानते किसको लाना चाहिए। लाइन में तो कई लोग हैं, कौन 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 आ सकता? फिलहाल जिन्हें हमने विधायक बनाया उन्होंने मेरे गांव में कुछ नहीं किया। जिन्हें आपने विधायक बनाया उन्होंने आपके गांव में कुछ नहीं किया? एक बार आए भी नहीं, एक बार भी नहीं। और क्या काम? तो बहुत बाद की बात, काम भी नहीं कुछ कराया। अरे आए ही नहीं तो काम क्या कराते? तो आप बाबा ये तो कह रहे हैं कि विधायक जी अच्छे नहीं है आपके? बिल्कुल विधायक नहीं अच्छे। विधायक नहीं अच्छे? नहीं। मुख्यमंत्री अच्छे? बिल्कुल अच्छे। मुख्यमंत्री आप इन्हीं को बनाना चाहेंगे? विधायक नहीं बनाएंगे? मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। हाँ। क्या क्या काम कराए योगी जी ने? योगी जी ने सब काम अच्छे कराए। कौन कौन से? देखो गौकशी बंद कराई। अच्छा गौकशी बंद करा दी? हम कई गाँव में गए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि गाय जो है वो खेतों में आज छूट गई है, खेतों में नुकसान कर रही है। गाय है किसकी? गाय तो हम लोगों की है, आप लोगों की है, मतलब हम ही लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार, सभी लोग। बिल्कुल, और कौन जिम्मेदार होगा? तो ये बताइए जिला पंचायत सदस्य कौन आपके क्षेत्र का? अभी तो टिकट कहाँ मिला? नहीं जिला पंचायत सदस्य इससे पहले बसपा कर, अगली बार किसको आप चुनना चाहेंगे? अब कैंडिडेट के ऊपर है कौन आएगा, कैंडिडेट ही नहीं क्लियर है। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा कौन बनेगा जिला पंचायत सदस्य? जिला पंचायत अब पता नहीं अभी कौन बने, अभी टिकट ही नहीं किसी का क्लियर है। नहीं तो कोई कैंडिडेट अभी नहीं खुल कर आया तो उसके कहीं कहा भी क्या जाए। विधायक कौन लग रहा है 2022 में इसको विधायक बना सकते हैं? पहले तो ये क्लियर हो कि हमारे लिए आता कौन है बीजेपी से। मतलब भाजपा से किसी को टिकट मिल जाए उसी को आप देंगे? नहीं कोई जाते हैं, लेकिन कैंडिडेट तो आए बढ़िया, काम तो करे जनता का, सही आएगा तभी आप बीजेपी को देंगे, पार्टी को देंगे ना। अगर बीजेपी यही जो वर्तमान विधायक इन्हीं को अगर टिकट मिली गया फिर तो हमारी मजबूरी होगी, हम क्या करेंगे? मजबूरी होगी, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा कि इसको टिकट देना चाहिए? कोई आपकी नज़र में है कोई ऐसा? नज़र में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब पार्टी जाने किसे देगी, हमारे कहने दे देगी क्या? बाबा आप बताइए किसको बनाएगी मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री योगी जी हैं यहाँ मैं रही, योगी जी को बनाएंगे। आप बताइए युवाओं के लिए कैसा काम किया योगी सरकार ने? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं है। रोजगार दिया कि नहीं दिया? कोई रोजगार मेरे यहाँ तो कोई रोजगार दिख ही नहीं रहा हम लोगों को, योगी जी ने कोई रोजगार दिया हो तो। फिर बाबा बता रहा है योगी जी ने अच्छा काम कराया। बाबा फिर पूछो क्या काम अच्छा कराया बताइए, बताइए कोई काम बताओ। मान लो कोई काम है, ये जो गाय भैंसे छोड़ रखी हैं ये अच्छा काम किया है योगी जी ने? बताइए आप बताइए। गाय भैंसे योगी जी ने छोड़ रखी है क्या? तो हम लोगों ने थोड़ी ना छोड़ रखी है, किसने छोड़ी बताइए? आदेश तो उन्हीं का है, आदेश उन्हीं का है। हाँ आदेश उन्होंने क्या कहा था कि गाय भैंसे अपने खेतों में छोड़ दो? नहीं खेतों में नहीं छोड़ने, लेकिन उसका प्रतिबंध तो नहीं है, उसका प्रतिबंध भी तो करना चाहिए। पहले था प्रतिबंध? कोई प्रतिबंध नहीं था योगी सरकार से पहले? नहीं नहीं नहीं, घरों में थी, नहीं, घरों में थी। आप घरों से किसने छोड़ी है? ये तो उनका कहना था ना। क्या कहना था योगी जी ने? क्या कहा था कि ये गाय भैंस कटी नहीं जाएगी और जो है, तो ये गलत कह दिया कि काटी नहीं जाएगी, तो आदमी क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? बिक्री नहीं तो काटना, काटने पे रोक लगा दी, ये गलत कर दिया क्या? गाय की बिक्री नहीं होगी तो क्या करेंगे उसका? तो गाय की बिक्री फिर से शुरू कर देनी चाहिए योगी को क्या? शुरू होगी तब तो पाली जाएगी। योगी जी को कटान फिर से शुरू कर देना चाहिए क्या? बिल्कुल 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 होनी चाहिए भाई, या तो उसके लिए गौशाला बनवाइए, ये जो पशु घूम रहे हैं खेतों में नुकसान हो रहा है इसका हर्जाना कौन देगा? इस चीज के लिए आवाज उठाइए कि गौशाला नहीं बनी, ये क्यों कह रहे हैं कि आपको गाय काट देनी चाहिए? मैंने तो नहीं कहा गाय काटनी चाहिए, आपने कहा कि गाय पे कटान जो रुकवा दिया था वो गलत कर दिया था, फिर से होना चाहिए। तो मैंने ये तो नहीं कहा गाय कटवाइए, गाय को घर पे बांधिए ना। अच्छा घर पे आप बताइए। हमारे हिसाब से कोई बढ़िया काम हुए नहीं आज तक योगी से, आज तक बढ़िया काम कोई बढ़िया बढ़िया। 2022 में किसे बनाएंगे आप मुख्यमंत्री? अब जो जब विधायक कोई चुने बढ़िया विधायक आएगा तब कोई मुख्यमंत्री बढ़िया बनेगा। विधायक भी बढ़िया नहीं है, विधायक भी नहीं बढ़िया है हमारे। कौन है विधायक? रोशन लाल वर्मा। विधायक बढ़िया नहीं, पिछले 3 बार से आपने क्यों चुना उनको? हम नहीं चुन रहे उनको। हाँ। हम तो हर आदमी अपनी अपनी पार्टी चुनता है, ठीक है, हमारे चुनने से थोड़ा वही विधायक बन जाएंगे। अच्छा तो 2022 में किसको चुनेंगे?
अब भाई देखो भाई, हमारो एक वोट हम किसे ही दें। लहर किसकी तरफ चलती हुई दिख रही है कि 2022 में इसकी लहर चल रही है? जब लहर हम तो जिसकी लहर देखा था उसे वोट दे देते। अच्छा, जिसकी लहर चलेगी उसी को देंगे। हाँ, तो अभी किसकी लग रही है कि 2022 में ये सरकार आ सकती है? अब तो एक साल बचा। अब किसी की नहीं लग रही, किसी की नहीं लग रही। भाजपा सपा बसपा किसी की नहीं, किसी की नहीं। कांग्रेस की लग रही है? कांग्रेस की भाई नहीं लग रही। कांग्रेस आ सकती है? नहीं, कांग्रेस नहीं आ सकती। कौन सी आ सकती है? भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। हाँ, तो हमारा विकास हमें मिल जाए बस, और हमें कछु नहीं चाहिए। कहाँ गया आपका विकास? कहाँ मालूम कहाँ चलोगे? हमारा लिख ले गया, फोटो खींच ले गया विकास देने के लिए, और हमें मिला नहीं है भाई। हाँ, विकास नहीं, वो आवास होता है। आवास हो कछु हम बिन पड़े हैं भाई। अच्छा, लल्ला नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। वो आवास होता है, उसको कॉलोनी भी कहते हैं कहीं कहीं। हाँ, तो आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला? शौचालय नहीं दिया, खाली पलस्तर हमने करा दिया। आप बताइए किसकी लग रही है सरकार 2022 में? अभी तो बता ही नहीं सकते हम कुछ। क्या बता सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? अभी कुछ भी नहीं बता सकते। प्रधान जी ने कैसा काम कराया? प्रधान जी अच्छा काम करा रहे हैं। अच्छा काम करा रहे हैं? बिल्कुल। गांव में निकलने की रास्ता नहीं है, बता रहे अच्छा काम करा। गाँव में यही है, पढ़ने वाले हैं, दो चार दिन में पड़ जाएगी। दो चार दिन में? अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, आप कैसे दो चार दिन में पड़ जाएगी? बता रहे थे डालने के लिए। क्या बता रहे थे? यही गांव के लोग कह रहे हैं, शौचालय भी नहीं बन पाया, आवास भी नहीं बन पाया, किसी की नहीं, सबके बने हुए हैं, तोड़ दिए इन लोगों ने। और क्या, गांव तोड़ दिए हैं बने। हाँ बाबा, क्या किसी किसी आदमी के तीन तीन बारह बारह हजार के आए, यहाँ बहनचोद एक भी नहीं मिला। बाबा कह रहे हैं हमारे जो शौचालय में पीला ईंट लगवाई है, सही करें गलत करें? ये तो हम बता ही नहीं सकते हैं पीला है क्या है। हम दो महीने में बंद हो गई। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, इनकी खड़ी तो है लेटरिंग यहाँ पर इनकी, नहीं बता। दो महीने में बेकार हो गई। अब ये तो हम बता ही नहीं सकते। हम दो महीने भी नहीं चली, चलो देख लो चली गया। अब पीला ईंट नहीं लगी, और कोई आदमी कह दे कि जो पहले लेटरिंग है बनी उनमें पीला के अलावा कोई दोम या अब्बल लगी हो तो बता। सभी शौचालय में पीला लगवा दी पहले? हाँ, सभी में पीला लगी, फिर बाद में जो 12,000 बारी आई है इनमें जरूर लगी है। अच्छा, हाँ 12,000 बारी वो हमको मिली नहीं। तो सभी लोग जितने जिसकी शौचालय में पीला लगी सबको जाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए थी पहले सबको पीले के पीला आई रही है। हाँ हाँ, मतलब सरकार शौचालय के लिए पीला ईंट भेज रही है। हाँ, पहले पीले लगी गई सबकी बनी है, जितनी फ्री पहले बनी गई लेटरिंग है बस अब पीले बनी गई। और क्या नाम है? अनिकेत। अनिकेत, पढ़ने जाते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। फिफ्थ में पढ़ते हो? कुछ आता जाता है? सम संख्या जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? सात में पढ़ते हो? क्या नाम है? सचित। सचिन, सेवन की स्पेलिंग सुनाओ। कोई एक सम संख्या बताओ। सम संख्या जानते हो क्या होता है? सम और विषम, सम विषम जानते हो? तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारा क्या नाम है? अमन। अमन, कौन से क्लास में पढ़ते हो? दो में। दो में पढ़ते हो? दो का पढ़ा आता है? हाँ। सुनाओ। दो कम दो दिन चार, दो तीन छः, दो चौ आठ, दो पंजे दस, दो छंग बारह, दो सत्तर चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो नौ अठारह, दो देंगे बीस। टाइगर की स्पेलिंग बताओ। टाइगर की आती है ना? आती नहीं है। राजधानी, देश की राजधानी कौन सी है? देश की राजधानी दिल्ली। मेरे सबको शौचालय मिले, सबने तोड़ दिया, सही करा? बात ऐसे है, बहुत ने तोड़े। हाँ, तोड़ क्यों दिए? जाता ना है, मतलब जाते नहीं बाहर जात। बाबा कह रहे थे पीला ही लगा दी, इसीलिए तो नहीं तोड़ दिए। एक बोरी सीमेंट लगी, एक एक बोरी लगी, शौचालय तोड़ दिए खेतों में। और क्या, खेतों में क्यों मजा आता? क्या पता नहीं क्या, कोई बढ़िया हो गया इसीलिए तो मजा। बात तो ऐसी है। अच्छा, आपके विधायक जी कौन है? रोशन लाल। कैसा काम कराया विधायक जी ने? यहाँ तो कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया।